जेसीबी लग चुकी हैं, गड्ढा लगातार यहाँ किया जा रहा है। जो गड्ढा हुआ है उसको भी, यहाँ जो मलबा है उसे हटाने के लिए भी कवायद की जा रही है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि वोडाफोन वालों की भी यहाँ लाइन निकली हुई है। अब एक तरफ दृश्य बताते हैं, देखिए घटना कहाँ हुई थी, ये उदयपुर शहर के लेक सिटी मॉल के बाहर की घटना है। यहीं से जब वाहनों की आवाजाही थी, इसी दौरान ये घटना हुई थी और इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ हो गया था। यह तो आपने हमारी पहली वाली रिपोर्ट में देखा था, लेकिन अभी यहाँ क्या नया कुछ अपडेट है ये बता देते हैं। देखिए जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया है, यानी कि यहाँ पर टू वे ट्रैफिक होता है उसे वन वे कर दिया गया है। अभी आप देखते हैं तो आयर अशोक नगर मार्ग पर मोहनलाल सुखाड़िया से देरी गेट रोड पर जाने वाला जो यातायात है उसे वन वे किया गया है। और वन वे में भी आप देख सकते हैं सावधानी बरतने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं। अब यहाँ पर जेसीबी चलाई जा रही है और अलग अलग एजेंसीज यहाँ काम कर रही है। किस तरह का इसको लेकर के पूरा एक जो वर्क है उसको तैयार किया गया है और उस वर्क प्रोफाइल के तहत ही यहाँ काम किया जाना है, ये भी आज ये देखने की यहाँ ज़रूरत लग रही है। क्योंकि एक तरफ बरसात का मौसम है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ इस तरह का ये सड़क मार्ग डैमेज हुआ है। यदि समय रहते ये काम पूरा हो जाता है तो यहाँ पर लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलेगी, वरना यहाँ काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ेगी। दुर्गानशी रोड को यहाँ पहले से चौड़ा करने के लिए जिस तरह की कवायद चलाई गई उसके बाद यहाँ ये पहली घटना है। इससे पहले इस रोड पर अशोक नगर के मेन रोड पर ही एक गड्ढा हुआ था, उसको भी नाले को छोड़कर फिर इस तरह के निर्माण की कवायद की गई। हालांकि वहाँ पर भी अभी काम अधूरा पड़ा है, लेकिन मेयर साहब से जब हमारी रात को इस घटना के बाद बात हुई तो जी एस टांग साहब का ये साफ कहना है कि यहाँ नाला काफ़ी पुराना हो चुका था, इसलिए इस तरह की घटना सामने आई है। अब देखिए किस तरह की यहाँ निर्माण में तेजी लाई जाती है। लेकिन देखिए यदि हम देखते हैं तो ये दरार आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी दरार हैं और इस दरार के साथ आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यदि यहाँ पर बरसात हो रही होती और ट्रैफिक चल रहा होता तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, लेकिन समय रहते प्रशासन ने इस पर अब ध्यान आकर्षित किया है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस पर कुछ मुस्तैदी दिखाकर समय रहते निर्माण हो पाता है और जनता को राहत मिल पाती है। कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको इस नाले के घटना के बाद की आपको इन तस्वीरों में दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं यानी कि जितना दरार वाला एरिया है वहीं से ये गड्ढा किया जा रहा है।